वो तो जेल जाते हैं आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं आते हैं, उनको तो जीवन भर लगा हुआ है। उनके आने न जाने से बिहार के ऊपर कोई, बिहार पर या शहर पर कोई असर नहीं होने वाला। भाई बिहार में हलचल, हलचल तो दिल्ली से होना है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार आगमन को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अश्विनी चौबे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि लालू जी आए या जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो जेल जाते हैं आते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं, उनका तो जीवन भर यही लगा हुआ है। उनके आने और जाने से बिहार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भाई लालू जी आए जाए उससे कोई अंतर थोड़ी पड़ने वाला है। वो तो जेल जाते हैं आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं आते हैं, उनको तो जीवन भर लगा हुआ है। तो उनके आने न जाने से बिहार के ऊपर कोई, बिहार पर या शहर पर कोई असर नहीं होने वाला। बताया जा रहा है कि बिहार में हलचल बढ़ेगी। भाई बिहार में हलचल, हलचल तो दिल्ली से होना है, हलचल बिहार से नहीं। और बिहार में तो हम हलचल कर चुके हैं। ये बिहार में जो गलवाही बांध के चल रहे हैं, ये दोनों को बर्बाद करने में किनका योगदान है? ये जो जिसको वो कहते हैं कि दांत में, इसको पेट में दांत है, आज वो गलवाही बांध रहे हैं वैसे लोगों के साथ जिनको उन्होंने पलटू कुमार कहा था। आज आप पलटरिया कुमार के साथ गलवाही बांध रहे हो, और इन दोनों ने मिलकर के जिस प्रकार से आनंद मोहन को पूरी तरह से उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया, तो ये लोग तो यही आदत ही है, तोड़ो फोड़ो और ब्लैकमेल करने की राजनीति। ये ब्लैकमेल करने की राजनीति इनकी है, जनता को गुमराह करके ठगने का। इसलिए ये गठबंधन नहीं है, वहाँ ठगबंधन है, मैं पहले से ही कह रहा हूँ। और इसका विनाश होगा आने वाले दिनों में। ये सब के सब उनके दांत खट्टे होंगे। और 24 में देर इज़ नो वैकेंसी फॉर PM। पूरी दुनिया, पूरा देश आज नरेंद्र मोदी को अपना रही है, देश के सेवा, देश की सुरक्षा और देश को प्रगतिशील। और उन्होंने विकसित भारत का जो सपना हमारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके निर्माण में एक न्यू इंडिया, नया भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हो रहा है, जिसमें करोड़ों जनता का आशीर्वाद है, देश के सभी लोगों का आशीर्वाद है। इसलिए अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे जो विकास पुरुष के रूप में देश के जाने जाते हैं, और दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। इसलिए 2/3 बहुमत से, 350+ से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री वो बनेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और 2025 कान खोल के सुन लीजिए, ये जितना देख रहे हैं ना, मांगो आगो रामो सामो ढामो, ये सात बहिन चंपा जागो रे जागो, ये सब बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। और 40 के 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का बिहार में भी, हम बिहार में भी 400 सीट पर हमारे लोग जीतेंगे और नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार बनाएगी। और 2025 में बिहार में सुशासन होगा, भाजपा के नेतृत्व में सुशासन आएगा, इसमें कहीं दो। एक बात है कि ये आनंद मोहन जी का संबोधन करना, कहीं ना कहीं आनंद मोहन से BJP को सहानुभूति है क्या? आनंद मोहन से को जी संबोधन करना, तो कहीं ना कहीं क्या मतलब, नहीं समझा बात? कहीं ये BJP भाई ये तो अपना संस्कार है, वो ऐसा थोड़े है, कोई मुजरिम हो गया, कोई गिरफ्तार हो गया, कोई जेल में चला गया, हाँ ठीक है कोई, लेकिन आनंद मोहन ने जिस प्रकार से उनकी सामाजिक जो स्थिति थी, राजनीतिक जो स्थिति थी, उसको बर्बाद किसने किया? ये तो बच्चा जानता है कि लालू और नीतीश ने बर्बाद किया आनंद मोहन के कैरियर को। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करके ठगने का ये गठबंधन नहीं, महाठग बंधन है। बक्सर से संजय उपाध्याय, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।